Never buy mutual fund through any bank. अगर आप किसी भी बैंक की मदद से म्यूचुअल फंड में पैसा निवेश करना चाहते देने होगी आपकी सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट मिस्टेक, क्योंकि बैंक लेगा एक्स्ट्रा कमीशन, एक्सपेंस रेशियो होगा ज्यादा। जिस म्यूचुअल फंड को सेल करके ज्यादा कमीशन मिलेगा वो आपके लिए फिट हो चाहे ना हो उसे ही रेकमेंड करेगा। अगर आप इससे बचना चाहते हो, किसी को भी थोड़ा सा भी कमीशन ना देकर बैंक की असली सच्चाई जानना चाहते हो, देन इस वीडियो को अंत तक देखिए, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। और दोस्तों मेरा छोटा सा रिक्वेस्ट है, आपसे इस वीडियो को मिनिमम 2 मिनट तक ध्यान से देखिए। अगर आपको 2 मिनट तक कुछ भी समझ में नहीं आता है, कुछ भी पसंद नहीं आता है, देन इस वीडियो को डिसलाइक करके बंद कर दो। और अगर आपको 2 मिनट तक अच्छा लगता है, समझ में आता है, देन इस वीडियो को अंत तक देखिए, आपको मिलेगा ट्रस्टेड लेटेस्ट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन। लेकिन 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 वीडियो में आगे जाने से पहले मेरा नया व्यूअर्स के लिए एक छोटी सी इंट्रोडक्शन। हे एवरीवन, आई एम गौरव एंड यू आर वाचिंग Qdigita। क्यू स्टैंड फॉर क्वालिटी कंटेंट। जो भी है, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटा या घंटी जो भी मिलेगा उसे बजाना जोर से। मेन टॉपिक पे जाने से पहले हमें समझना होगा, म्यूचुअल फंड में हमें 2 तरह का प्लान मिलता है, डायरेक्ट प्लान और रेगुलर प्लान। डायरेक्ट मतलब आप और म्यूचुअल फंड कंपनी मतलब AMC, आप दोनों डायरेक्टली कनेक्टेड हो, आप दोनों के बीच में कोई भी नहीं है। और दूसरी साइड पे रेगुलर प्लान के अंदर आप भी है और म्यूचुअल फंड कंपनी भी है, लेकिन दोनों डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। रेगुलर प्लान के अंदर आप दोनों के बीच में रहेगा कोई बैंक या फिर म्यूचुअल फंड एजेंट या फिर म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, जो कि आपको म्यूचुअल फंड कंपनी से कनेक्ट करेगा। दोस्तों हम सबको पता है, कोई भी कनेक्शन फ्री में नहीं मिलता है, कोई भी चीज फ्री में नहीं मिलता है। जैसे कि YouTube पे Qdigita की वीडियो देखने के लिए इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत है, और इंटरनेट कनेक्शन मुफ्त बिल्कुल नहीं है, इसकी प्राइस दिन के दिन इंक्रीज हो रहा है। ठीक इसी तरह से रेगुलर प्लान के अंदर एजेंट मतलब बैंक, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर या फिर म्यूचुअल फंड ब्रोकर को मिलता है कमीशन, अगर आप इनके थ्रू म्यूचुअल फंड में निवेश करते हो। और इन लोगों को कमीशन AMC नहीं देता है, आपका प्रॉफिट हो या फिर लॉस, आपकी इन्वेस्टमेंट से लगभग 1% कमीशन मिलता है एजेंट को। मतलब आपने निवेश किया, प्रॉफिट होगा या लॉस हो बहुत दूर की बात, बट एजेंट को मिलेगा कमीशन तुरंत ही। जो भी, अब चलिए लौटते मेन टॉपिक पे। इतना तक वीडियो देखने के बाद हमने समझा, बैंक से हमें हमेशा म्यूचुअल फंड की रेगुलर प्लानिंग मिलता है। मतलब बैंक है एक म्यूचुअल फंड एजेंट, बैंक के थ्रू निवेश करने पर बैंक को मिलेगा 1% कमीशन और हमें होगा 1% घाटा। जो भी है, मुझे लगता है इतना तक वीडियो देखने के बाद आपके मन में 2 कॉन्फ्यूजन आ सकता है। सबसे पहला कॉन्फ्यूजन, 1% बहुत ही कम है, इनमें मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ट्रस्ट मी, 1% सुनने में जितना छोटा लगता है उतना छोटा नहीं है। चलिए एक रियल एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। सपोज दो फ्रेंड मिस्टर राम और मिस्टर सैम 15 साल पहले दोनों ने एक सेम म्यूचुअल फंड के अंदर 1,00,000 रुपया करके निवेश किया है। राम समझदार निकला, उसने 1,00,000 रुपया म्यूचुअल फंड की डायरेक्ट प्लान के अंदर निवेश किया है। दूसरी साइड पे सैम ने एक्स बैंक की मदद से सेम म्यूचुअल फंड की रेगुलर प्लान के अंदर निवेश किया है। मिस्टर सैम को कमीशन के बारे में कुछ भी पता नहीं था, बट आपको और मुझे पता है, अगर मिस्टर राम को म्यूचुअल फंड से 15% ईयरली रिटर्न मिलता है, देन सेम म्यूचुअल फंड से मिस्टर सैम को मिलेगा 1% कम, मतलब 14% एनुअल रिटर्न। 1% सुनने में हल्का लगता है, लेकिन 15 साल बाद 15% एनुअल रिटर्न की रेट पे आज की डेट पे मिस्टर राम को टोटल मिलेगा 8.13 लाख रुपीज। और दूसरी साइड पे 15 साल बाद 14% एनुअल रिटर्न की रेट पे मिस्टर सैम को मिलेगा केवल 7.13 लाख रुपीज। मतलब सीधा 1,00,000 रुपए की घाटा हुआ मिस्टर सैम को बैंक के थ्रू म्यूचुअल फंड में पैसा निवेश करने पर। डू द मैथ और खुद डिसाइड करें आपको मिस्टर राम बनना है या फिर मिस्टर सैम। दूसरा कॉन्फ्यूजन, मुझे SBI की म्यूचुअल फंड लेना है तो क्या मुझे स्टेट बैंक से डायरेक्ट प्लान मिलेगा? HDFC की लेना हो तो क्या मुझे HDFC बैंक से डायरेक्ट प्लान मिलेगा? या फिर किसी भी म्यूचुअल फंड को मैं लेना चाहता हूँ, क्या उसकी बैंक से मुझे डायरेक्ट प्लान मिलेगा? इस सवाल या फिर कॉन्फ्यूजन, जो भी आप कहो, इसकी सीधा सीधा जवाब है नहीं। बैंक पे आपको कभी भी म्यूचुअल फंड की डायरेक्ट प्लान नहीं मिलेगा, बैंक हमेशा रेगुलर प्लान ही बेचता है। मतलब बैंक के थ्रू म्यूचुअल फंड खरीदने पर बैंक को मिलेगा 1% कमीशन और आपको और मुझे होगा 1% घाटा। जो भी है, इतना तक हमने जाना विजिबल लॉस के बारे में। बैंक के थ्रू म्यूचुअल फंड में निवेश करने की इनविजिबल लॉस इससे भी बड़ा खतरनाक है। इनविजिबल लॉस को समझने के लिए म्यूचुअल फंड और बैंक, इन दोनों को कॉन्सेप्ट की रखो साइड पे और वीडियो को देखिए ध्यान से।
एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपको एक मोबाइल खरीदना है, इसीलिए आपने विजिट किया सैमसंग स्टोर। वहां पे आपको मिला एक सेल्समैन, आपने कहा आपको एक बेस्ट बजट मोबाइल खरीदना है। देन क्या सेल्समैन आपको रिकमेंड करेगा एक MI या फिर रियलमी की मोबाइल खरीदने की? आपको क्या लगता है कमेंट पे बताइए। दोस्तों मुझे तो नहीं लगता है सेल्समैन कभी भी ऐसा करेगा, वो हमेशा खुद की कंपनी की मोबाइल ही रिकमेंड करेगा। और कौन सी मोबाइल को रिकमेंड करेगा? जिस मोबाइल को सेल करके पर्टिकुलर उसे सबसे ज्यादा कमीशन मिलेगा उसी मोबाइल को आपको रिकमेंड करेगा और आपको कहेगा दिस इज द बेस्ट मोबाइल एवर। ठीक है, ऐसा ही आपको बैंक में भी देखने को मिलेगा। सबसे पहले तो बैंक आपको खुद की फंड हाउस की म्यूचुअल फंड रिकमेंड करेगा। और कौन सी म्यूचुअल फंड को रिकमेंड करेगा? जिस म्यूचुअल फंड को सेल करके बैंक को सबसे ज्यादा कमीशन मिलेगा उसी फंड को आपको रिकमेंड करेगा। चाहे वो फंड आपके लिए फिट हो चाहे ना हो, आपके लिए सही हो या फिर ना हो, बैंक का कोई नाता नहीं है इससे। बैंक का मेन मोटो है प्रॉफिट कमाना। जिस फंड से सबसे ज्यादा कमीशन मिलेगा उसी फंड को आपको रिकमेंड करेगा और आपको कहेगा दिस इज द बेस्ट म्यूचुअल फंड एवर। सपोज आप एक्स बैंक पे जाकर कहते हो आपको एक बेस्ट टैक्स सेविंग्स म्यूचुअल फंड लेना है, देन एक्स बैंक कहेगा उसकी म्यूचुअल फंड सबसे ज्यादा अच्छा है। आपको इक्विटी लेना है, इंडेक्स लेना है, लिक्विड फंड लेना है या फिर किसी भी कैटेगरी की म्यूचुअल फंड लेना है, बैंक आपको कहेगा उसकी म्यूचुअल फंड सबसे ज्यादा अच्छा है। सेम स्टोरी आपको देखने को मिलेगा दूसरी किसी भी बैंक में, हर एक बैंक में। और जिस बैंक की खुद की फंड हाउस नहीं है, खुद की म्यूचुअल फंड नहीं है, उस बैंक के साथ जिस AMC की जिस फंड हाउस की ट्राइप है वो बैंक उसी म्यूचुअल फंड हाउस की उसी फंड हाउस की म्यूचुअल फंड आपको रेकमेंड करेगा। क्योंकि बैंक का मोटो नहीं है आपके लिए एक सही फंड को सजेस्ट करना, बैंक की मोटो है ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करना। जिस फंड से सबसे ज्यादा कमीशन मिलेगा उसी फंड को आपके लिए रेकमेंड करेगा। दोस्तों मुझे लगता है इतना तक वीडियो देखने के बाद आपको क्या जानना था और मुझे क्या कहना था वो क्लियर हो चुका है, क्यों बैंक के थ्रू म्यूचुअल फंड में निवेश नहीं करना चाहिए। और दोस्तों अगर आप डायरेक्ट प्लान में निवेश करना चाहते हो देन म्यूचुअल फंड की ऑफिशियल वेबसाइट मतलब AMC की ऑफिशियल वेबसाइट से आप खरीद सकते हो, नहीं तो बहुत सारा इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है आप उसकी मदद से भी खरीद सकते हो। इस चैनल पे हमने इन तीन इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म के ऊपर वीडियो है और मैंने पर्सनली इन तीनों प्लेटफॉर्म के थ्रू म्यूचुअल फंड की डायरेक्ट प्लान के अंदर निवेश भी किया है। तीनों के लिंक आपको मिलेगा ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन पे। आज की वीडियो के बारे में आपका क्या राय है नीचे कमेंट पे बताइए। और दोस्तों अगर आपको वीडियो आज की पसंद आया है, आपको इन्फॉर्मेशन मिला, आपको नॉलेज मिला इस वीडियो से, देन इस वीडियो को जरूर से लाइक करें। आपकी लाइक से मुझे बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। और अगर आपको पसंद नहीं आया तो डिसलाइक करें। आप चाहे तो इस वीडियो के आपकी दोस्त फैमिली मेंबर के साथ शेयर कर सकते हो। इसी तरह की ट्रस्टेड लेटेस्ट और ऑथेंटिक वीडियो की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को बजाना जोर से। जो भी है थैंक यू दिल से, हम मिलेंगे फिर से। कीप गोइंग कीप ग्रोइंग।